So Hindi English dono comfortable hai ya kaise? So basically I wanted to know that what is music and sound for you? Stress reliever. हाँ stress. और क्या है? क्या है? Passion. As a therapeutic perspective और बस इतना ही है. What about emotions? What about the vibrations? What about the physics involved with it? कैसे ये session है? दो perspective से हम कर सकते हैं. अगर आपको बहुत scientific चाहिए, बहुत scientific होगा. या फिर बहुत spiritual चाहिए, तो वैसे होगा. या it can be a mix of both. Mix of both. सब सेटल है या फिर दैट्स बिकॉज कभी कभी जो कंटेंट फ्लो होता है ये मैं खुद डिसाइड करके नहीं आता हूँ ना मैं कोई पीपीटी यूज करता हूँ बिकॉज पीपीटी और द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज इट्स अ काइंड ऑफ अ लिमिट हम लिमिट में आ जाते हैं सो दैट्स वाई इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट सब ब्लैंक तो इसलिए आप भी इवन दो वी हैव अ लिमिटेड टाइम मगर बहुत सारा यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है which will be very much miraculous you as a doctor because आपका मकसद ही क्या है आपका क्या मकसद है purpose क्या है can someone please say it out loud not for everyone who's एक individual व्यक्ति के लिए मकसद क्या है as a doctor or as a kind of a medical practitioner healing okay what else बस इतना ही अभी तो अभी पहले के सेशन में तो मनी इनकम के बारे में चालू था सो यू वुड बी सरप्राइज्ड आई एम स्टडिंग जस्ट बिसाइड दिस कॉलेज आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माय कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इंजीनियरिंग सो इंजीनियरिंग मेडिकल एंड योगा इसका कोई और आगे जाके म्यूजिक इसका कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है बट स्टिल आई एम हियर टॉकिंग विद मेडिसिन बैकग्राउंड या मेडिसिन डोमेन में एंड आई हैव स्पोकन एट एन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आई एम एक्चुअली गेटिंग इनवाइटेड बाय इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स कि वहाँ पे जाके उनके मेडिसिन इंडस्ट्री में या मेडिसिन डोमेन में उनके ही एक्सपर्टीज को पीएचडी लेवल के एक्सपर्टीज या एमडी लेवल के एक्सपर्टीज को जाके वहाँ पे सिखाना तो क्या ये मेरी मेरे को क्रेडिट दे रहा हूँ यहाँ पे या मेरी बड़ी बातें कर रहा हूँ नहीं इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी एट ऑल बिकॉज जो मैं ये हाँ हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज से तो मैं ये डोमेन नहीं शेयर कर रहा हूँ अगर इंफॉर्मेशन और नॉलेज से मैं यहाँ तक आता तो मुझे कितने साल लगते हैं बीटेक और एमटेक आगे जाके पीएचडी और आगे जाके जो भी स्पेशलाइजेशन है उतने साल मतलब कितने 10-15 साल और आगे जाके मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी वो तो भी तो दिखाना पड़ता है ना टेस्टिमोनियल है कि नहीं तो फिर प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे सो देन व्हाई इज इट हैपनिंग इट्स बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद द सेल्फ डॉक्टर्स अर्लियर हमारे भारतीय संस्कृति में उनको वैद्य बोलते थे वैद्य मतलब क्या वन हु इज अटेंड विजडम वन हु इज एस्टैब्लिश्ड विद द सेल्फ वन हु इज सेल्फ कनेक्टेड विद हिज और हर ओन बॉडी माइंड और आगे जाके एनर्जीज तो आयुर्वेद कहता है जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो क्या है समदोष समधातु सम मल सम अग्नि ये सिर्फ चार फिजिकल डोमेन्स है मतलब क्या है हमारे एनर्जीज बेसिकली मल मतलब हमारे जो एक्सक्रीशन के जो भी प्रोसेसेस है वो फिर हमारे अग्नि अग्नि मीन्स दी डाइजेस्टिव फायर और आगे जाके हमारी जो ज्ञान अग्नि है एंड आगे जाके जो सेक्सुअल फायर है वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए और उसके बाद इट्स वेरी
most beautiful, you can say, the health definition, which is now been accepted by WHO itself. It's not just absence of disease. ये सिर्फ उसका first part है और आगे जाके बोलते हैं वो कि हमारे जो इंद्रिया है, means the sensory perceptions या receptors हम बोल सकते हैं, फिर हमारा purpose of life और आगे जाके mind. So अगर ये 7 to 8 categories fulfill हुए हैं, तो ही आप स्वास्थ्य हो. स्वास्थ्य means जो स्व में अस्त है, स्व में established है, खुद में established है, तो ही आप एक healthy व्यक्ति हो. So as per Ayurveda, are we healthy? I think we are not. हमारे जो भी patterns हैं, हमारे daily life patterns, food patterns, sleep patterns, the way we talk, the way we behave our emotions, the way we interact with people, the way we sit for exams, the way we do everything, it's not even balanced. और हमारे sensory organs तो balanced है ही नहीं, because हमारे काबू में ही नहीं है वो. तो एक व्यक्ति जिसमें ये भी नहीं है, तो फिर आगे जाके वो वैद्य या डॉक्टर कैसे बन पाएगा? है कि नहीं? Because in the ancient times, the Vaidyas, just by looking at your eyes, just by looking at your skin, or the exterior physical matter, या नाड़ी परीक्षा, या टंग, या सिर्फ ears, और आगे जाके सिर्फ आवाज, इससे सिर्फ वो डायग्नोस करते थे, सिर्फ डायग्नोस वो पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं, मगर उसके सारे पास्ट के और उसके फ्यूचर पैटर्न्स में क्या गड़बड़ी आ सकती है. मीनिंग व्हाट, वो डीएनए एनालिसिस कर पाते थे सिर्फ बैठे बैठे. दे डिडंट नीड एनी काइंड ऑफ अ कंप्यूटर और एनी काइंड ऑफ अ जीनोम प्रोजेक्ट. जस्ट बाय लुकिंग एट द आईज, द वैद्य विल रिकॉग्नाइज व्हाट इज द इम्बैलेंस्ड इन द स्पेसिफिक ऑर्गन, इन द स्पेसिफिक प्रोसेस. तो ऐसे होता था. ये क्यों होता था, या फिर हम आगे जाके पीछे जाके देखेंगे, जो हमारे टेक्स्ट है योगा के, उपनिषद्स के, तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि कैसे गर्भो उपनिषद है, तो जहां पे लिखा है कि कैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके पहले के टाइम पे कैसे कंसेप्शन होता है, और वो भी विदाउट इवन ओपनिंग ऑफ द बॉडी. हाउ इज इट इवन पॉसिबल? या फिर हर जो भी आज के डेट में मॉडर्न डिसीज है, डिसऑर्डर्स है, उसके सारे सॉल्यूशंस है, सिर्फ वो कहाँ पे है? संस्कृत लैंग्वेज में. इट्स काइंड ऑफ अ पजल, इट्स काइंड ऑफ अ एनकोडिंग, एनक्रिप्शन. वो हम डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं आज के डेट में हुई है कि हम उनको डिक्रिप्ट भी कर पाए अच्छे से. एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन अ वे. बिकॉज अगर आप हेल्दी हो, आपका माइंड स्टेबल है, तो ही तो आगे जाके आप लोगों में क्लैरिटी दे पाते हो. अगर आप ही डिस्टर्ब हो, आप ही डिप्रेशन में हो, तो आप कौन से वाइब्रेशंस शेयर करोगे? वाइब्रेशन समझते हो? जैसे कि अभी फैन का आवाज है, ये मेरा आवाज है, इट्स कॉजिंग अ वाइब्रेशन. द एंटायर बिल्डिंग राइट नाउ इज वाइब्रेटिंग, आवर एंटायर सेल्यूलर बॉडी इज राइट नाउ वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ये कौन, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स अभी कह रहा है. जो सबसे एनर्जी पे अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आपका डीएनए अभी वाइब्रेट कर रहा है, मगर हमें वो एक्सपीरियंस में है नहीं है. क्या हमारी बॉडी ही हम खुद सेंसिटाइज्ड हो, हम कितना डिसेंसिटिव हो चुके हैं एक्चुअली, तो हम खुद से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, तो फिर कैसे आप क्लैरिटी लोगों में दोगे? ये मुझे आपसे एक इंटरैक्टिव आंसर चाहिए. अगर आपके अंदर डिप्रेशन है और आप दिन में 30 या 20 और एल्स कंसिडर 10 भी पेशेंट आप देखते हो, तो वो तो खुद डिस्टर्ब है, इसलिए तो आपके यहाँ पे आया है विद काइंड ऑफ पेन, मे बी एट द फिजिकल, एट द इमोशनल लेवल. अगर आप भी डिस्टर्ब हो, तो क्या फिर आपको हीलिंग वो दे पाओगे आप, जो पर्पज से आप यहाँ पे एंटर किए हो कि अगले 4 साल, 5 साल या अगले 10 साल में एजुकेशन कुछ भी करूंगा या करूंगी, क्या वो फील फुलफिल हो रहा है? आया ना? नहीं हो रहा है.
So the doctors themselves are in a kind of a overthinking, kind of a over exaggeration जो बोलते हैं, या कुछ stress में है वो. और आपके syllabus में तो हुआ ही होगा कि क्या हमारे जो अभी chronic lifestyle disorders है, वो क्यों है? 80-90% is because of the stress. हम कह सकते हैं ऐसा. जो externally induced है, वो अलग बात है. अगर जो internally produced है, वो क्यों है? Because हम ही हमारे hormones को, हमारे emotions को, Ayurveda इसको कहता है रस, रस शास्त्र. रस मतलब hormones. हम उसको ही तो balance नहीं कर पा रहे. और ये hormones कैसा flow होता है हमारे body में? कि सबसे पहले of course the brain has the maximum kind of hormones जहाँ पे production होता है. मगर आगे जाके heart में और gut में वो necessary है. अगर आपके gut में या नाभि होती है हमारी navel, अगर वो वहाँ पे serotonin सबसे ज़्यादा वहाँ पे induce या flow होता है जो gut lining पे होता है. अगर वो ही नहीं हो पा रहा है तो वो आगे जाके brain को कम्युनिकेशन नहीं कर पाता. और अगर आपका हार्ट है वो खिल ही नहीं रहा है, वो अवेकन नहीं हो रहा है, वो प्यार में नहीं आ रहा है. देखो प्यार की बातें बोलना और प्यार के वाइब्रेशंस में आना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है. सिर्फ कंपैशन बोलना और सिर्फ पॉसिबिलिटी बोलना ये माइंड का काम होता है हमारे, मगर उसके वाइब्रेशंस में आना, उसके साथ रेजोनेशन करना. रेजोनेशन आप समझते हो? रेजोनेशन मतलब कैसे? अगर एक यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है, दूसरा सेम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क होगा और एक को स्ट्राइक किया, दूसरा भी इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू वाइब्रेट. सो रेजोनेंस ही नहीं है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे माइंड में, तो हम फिर कुछ नहीं कर पाते. सो वी बिकम लॉस्ट, है कि नहीं? तो फिर हम इन्फॉर्म्ड और नॉलेज डोमेन से लोगों को ठीक करते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड नजरियों से, लिमिटेड परसेप्शन से. यही तो हो रहा है ना? तो वहां पे आपको लिमिट करते हैं. फिर कोई कोई वाइब्रेशन आपको लिमिट करते हैं, आपके एंगर के, कॉन्फ्लिक्ट के, गिल्ट के, डिसीज के. डिसीज मीन्स वॉट? यू आर नॉट इन ईज. Disorder is we are not in order. Order of what? The planetary position is in kind of a harmony. इसके कारण ही ये जो पृथ्वी चल रही है, ये जो revolutions per minute या per second हो रहे हैं, वो एक particular order में है. And consider अगर हम उस order के साथ connect हो पाए, तो कैसे होगा फिर आपके जीवन में? Then you don't need to care about the money. You don't need to care about the 30,000 per month. You don't need to care about the incentives. You will be just enjoying the gift that has been given to you. The gift, because medicine में आज लोग आते ही क्यों है? उनको contribution करना है ना? आपको क्या करना है? Healing मतलब क्या है? आपको contribution करना है. मगर आज के date में हो नहीं पा रहा है. क्यों? Because the vibrations. आपको पकड़ने वाले vibrations. ये accumulations है, dirt है, noise है. So, सबसे पहले वो चालू होता है हमारे माइंड में. मैं एनर्जीज की ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज हम ज्यादा भी वहां पे हेवी साइड पे चले गए इन द एक्चुअल योगिक फॉर्मेट में तो वो बहुत हेवी हो जाएगा. सो अभी मैं सिर्फ माइंड के लिए बोल रहा हूँ. मगर डिस्टर्ब पहले कहाँ पे होता है? वाइब्रेशन. जैसे कि मैं तभी इंजीनियरिंग में स्टार्ट किया था मेरी जर्नी, आई वॉज इन अ वेरी फियर, आई वॉज वेरी कंफ्यूज विद इन माई ओन सेल्फ. उसके कारण क्या हो रहा था? मैं लोगों के साथ बिहेवियर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था. जैसे कि पैशन यहाँ पे था म्यूजिक के बारे में. सो आई हैव बीन लर्निंग क्लासिकल वोकल सिंस लास्ट 12 इयर्स. और 10th स्टैंडर्ड के बाद डीजे का फैड आया था मुझे, बिकॉज मेरे दोस्त थे वो सब क्लासिकल वोकल्स तो नहीं सुन रहे थे, तो फिर मुझे चिढ़ाते थे, अरे ओ, 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 क्या गाता है, अरे पॉप गाना सुन, इंग्लिश गाने सुन, देखो कैसे मस्त मस्त वीडियोज हैं इसके, देखो ये देखो वो देखो. तो इस कारण में क्या हुआ था? मैं भटक रहा था. मगर जैसे ही मैंने खुद के वाइब्रेशंस पकड़ लिए, सो आई एम नॉट इन अ वेरी क्लैरिटी, आई एम इन अ वेरी ईज. एंड दैट इज व्हाई आई डोंट नीड एनी कंटेंट. द कंटेंट इज फ्लोइंग, इट्स कमिंग. और
जो जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे कैसे होते हैं देयर इज अ न्यू इवॉल्विंग साइंस वो अभी ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है एपिजेनेटिक्स करके एपिजेनेटिक्स मतलब क्या है जेनेटिक्स के बियॉन्ड एपी मींस बियॉन्ड इवॉल्व तो पहले का जेनेटिक्स बोलता था कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में एंसेस्ट्रल पैटर्न में इस टाइप के कुछ जेनेटिक्स है या उसकी इंफॉर्मेशन है या मेमोरिक इम्प्रिंट है तो शायद से आप में भी वो आ सकता है 90% आएगा ऐसे बोलते थे वो परसेंट की पता नहीं मगर होगा ऐसे होता बोलते थे मगर एपिजेनेटिक्स क्या बोलता है अभी आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है वो आपके पहले जो आप मदर्स के वूम में रहते हो वो मूवमेंट फिर पहले 3 साल और आगे जाके पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट और आपके आपके एक्सपीरियंस जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है तो मतलब क्या है मतलब हम ही हमारे डीएनए पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं आके नहीं हम ही हमारे जो ओरिजिनल नेचर है प्रकृति हम इसको बोल सकते हैं इसको हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसके कारण क्यों है बिकॉज नॉट सम एक्युमुलेशन अंडर ऑन अस और इसके सॉल्यूशंस मिल ही नहीं रहे हमें कैसे निकालना है मगर पुरखों के पास सॉल्यूशंस है वो हमें सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे आज के डेट में फॉर एन एग्जाम्पल जो आज के डेट में मेडिसिन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन एनी फॉर्मेट आई एम नॉट जस्ट बिकॉज आई लाइक आयुर्वेदा में सिर्फ आयुर्वेदा की बड़ी बातें नहीं करने वाला हूँ सब डोमेन में जो आपके पिल्स है मेडिसिन है वो आपके जाके लिवर और आगे जाके किडनी में डैमेज करते हैं और वो एक काइंड ऑफ अ प्लेसिबो इफेक्ट मैक्सिमम होता है शायद से आपको ये पता होगा पता है आप 4th ईयर में हो पता ही होना चाहिए है कि नहीं तो मतलब क्या है इवन दो यू डोंट हैव अ काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर बट यू जस्ट गो एट अ डॉक्टर यू जस्ट विजिट अ डॉक्टर और वो आपको क्या देता है एक फेथ देता है एक स्टेबल माइंड से आपको एक फेथ देता है and that vibrations actually change your vibration resonance hota hai because resonance matlab kya hai ya fir energy kaise kaam karti hai ki jo higher domain hai lower domain usko attract kar deta hai to lower energy higher energy pe jaake ek samaan aati hai to aise hota hai aur iske sutras bhi is not even in just ayurveda all over the world ke medicinal documents mein hai ki ek healthy mind एक अनस्टेबल माइंड को हेल्दी कर सकता है मगर हम ही हमारे साथ स्टेबल नहीं होंगे तो उसका कुछ फिर फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स हमारे एटीट्यूड्स ये सबसे ज्यादा मायने रखता है और आगे जाके हमारा पर्पस ऑफ लाइफ अगर हमारा पर्पस ही अच्छे से नहीं होगा तो आपको पता होगा कि जो हैप्पी हार्मोन्स है बेसिकली या जो डोपामिन है एंडोर्फिन्स है सेरोटोनिन है वो कैसे फ्लो होते हैं वो बैठे बैठे फ्लो तो सिर्फ योगीज कर सकते हैं मगर एक आपके पास एक बड़ा पर्पस होगा आपके जीवन में एक प्यार वाला पर्पस होगा तो ही वो फ्लो होते हैं नहीं तो वो फ्लो नहीं होते हैं तो फिर आपको फिर पिटोसिन देना पड़ता है ऑक्सीटोसिन को लाने के लिए हाया ना आज के डेट में तो यही हो रहा है पीपल और द मदर्स who are in the pregnancy, they are not been able to deliver natural नहीं कर पा रहे क्यों नहीं हो पा रहा है because overactive mind हमारा जो mind है या brain हम अभी के लिए consider कर पाएंगे तो इतना overactive हो चुका है कि वो हमारा जो vagus nerve है उसको break कर देता है it cancels it टूट जाता है connection और ये यहाँ पे टूट गया connection तो हमारे heart में और हमारे gut में वो कनेक्शन ही नहीं जाता और गट और हार्ट हमारे ब्रेन को सिग्नल्स नहीं देते ये आप रिसर्च कर लो ये सबसे मैक्सिमम आपको बेनिफिट करेगा एपिजेनेटिक्स और गट मेडिसिन गट का रिसर्च जो है और आगे जाके क्वांटम मेडिसिन अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में वो होने वाला है अपने कभी एपिजेनेटिक्स के जो अथॉरिटी फिगर है ब्रूस लिप्टन के कभी गो थ्रू किए हैं कुछ रिसर्चेस ब्रूस लिप्टन ये डेफिनेटली आप कंसीडर कर पाते हैं उन्होंने क्या किया है जो डॉली क्लोनिंग शिप ही वाज द पायनियर इन दैट तो उन्होंने क्या किया वो रिसर्च कर रहे थे रिगार्डिंग द सेल्स एंड डीएनए और उनको कुछ हो ही नहीं रहा था मिल ही नहीं रहा था आगे जाके
तो उन्होंने सिर्फ एक बार वो पेट्री डिश में सेल्स गैदर किए थे और फिर उनको प्रे किया, अरे यार मेरे मेरे लाइफ में कबाड़ा हो रहा है, मेरे वाइफ भी छोड़ दी, इतना रिसर्च कर रहा हूँ मैं ये वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कैसे होगा ये। और उन सेल्स ने सुन लिया और उन्होंने वो सेल्स ने आंसर दिया। क्या ये बात में उटपटांग सी बातें इलॉजिकल लग रही है आपकी बातों बातें ये मेरी, मगर ऐसा ही है। आपके जो सेल्स है, आपके जो डीएनए है, आपके हमेशा जो सेलुलर हमारी टिश्यूज है वो हमारे थॉट्स सुनते हैं, हमारे इमोशन सुनते हैं और उसके माध्यम से हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। और यही जो बातें है हमारे पुरखों ने की है, सिर्फ अलग अलग एंशियंट लैंग्वेज में, बस हम उसको एनक्रिप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, तीन सेल्स किए, डिवाइड किए, अलग अलग पेट्री डिश में लिए और वही जो अलग अलग पेट्री डिश है अलग अलग रूम्स में रख दिए। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक सेम सेल था, सेम डीएनए, मगर एक एनवायरमेंट में इट बिकेम अ बोन टिश्यू, एक एनवायरमेंट में वो हो चुका मसल टिश्यू, एक एनवायरमेंट में वो एक फैट टिश्यू हो गया। कैसे हो रहा है ये, एनवायरमेंट सेम डीएनए से आए हैं हम, या फिर तभी हम बॉर्न होते हैं, हमारा कंसेप्शन होता है, एक ही तो सेल होता है हमारा, बट राइट नाउ अभी कितना है, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, या फिर 50 है, 60 है, 100 है, आई डोंट नो, इंटरनेट पे हमेशा वो चेंज होते रहते हैं, एक वहां 50 बोलता है, एक 60 बोलता है, एक 100 बोलता है, 100 ट्रिलियन, तो कुछ तो ट्रिलियन है। तो कैसे कैसे बताया, बताइए आप ही बताया, ये जो टीथ के टिश्यू है या टीथ के जो सेल्स है या मेरे हाथ के सेल्स है या आंखों के सेल्स है, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वैसे ही मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, क्यों, बिकॉज एपिजेनेटिक्स। सो योर एनवायरनमेंट बेसिकली गवर्न्स योर वाइब्रेशंस। तो फिर हम सिर्फ एनवायरनमेंट ही चेंज करते रहे, क्या ये पॉसिबल है मुंबई में? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने नॉइस का वाइब्रेशन सुने तो आप में इरिटेशन आता है, हाँ या ना? अब में इरिटेशन आता है तो कैसे, क्या इंड्यूस होगा फिर? जो कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स है, वही तो इंड्यूस होगा। नाद योग के माध्यम से आप थॉटलेस स्टेट में लेके जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी नर्वस सिस्टम वो बैलेंस आने लगती है। और जैसे आपका ब्रेन, हार्ट और नेवल या गट, हम अभी के लिए बोल सकते हैं, वो अलाइनमेंट में आता है, तो आपकी फिर बायोकेमिस्ट्री है, इट्स इन अ फुल फंक्शन, इट्स इन अ फुल पैशन। नहीं तो फिर वो कहने के लिए है, प्यार सिर्फ कहने के लिए है, कंपैशन सिर्फ कहने के लिए है, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो हमारे जो एंशंट इंडियन साइंस है, इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंशियल डोमेन, नॉट ऑन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डोमेन। और अगर वो आपको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, तो नाद योग से, नाद योग के माध्यम से आप वो अनुभव कर पाते हो। मीनिंग व्हाट, आपको दिख जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आपके सेल्स क्या आपके साथ कह रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट क्या आपके साथ कह रहा है। सो व्हाट विल हैपन, द मोमेंट द पेशेंट एंटर्स इन योर क्लिनिक, यू विल नो हिज हिस्ट्री, यू विल नो हिज फ्यूचर। क्या ये पॉसिबल है? देन यू डोंट नीड टू प्रिस्क्राइब हिम अ मेडिसिन। क्या पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है पॉसिबल, या ये सब ऊपर से जा रहा है आपको, मैं जो कह रहा हूँ कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या ये पॉसिबल है? फिर आपने सिर्फ वो देखा बंदे को या बंदी को या जो भी पेशेंट है, एंड यू नो ऑल द सॉल्यूशंस फॉर हिम और हर, यू डोंट नीड टू रिलाय ऑन योर टेक्स्ट बुक, यू डोंट नीड टू रिलाय ऑन योर एनी इन्फॉर्मेशन, आई एम सॉरी ये मैं कह रहा हूँ, बट दैट्स द फैक्ट। यही हमारे वैद्यस और ऋषि मुनिस करते थे, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। बिकॉज अगर आप कन्वेंशनल मेथड से अभी जाओगे, जो अभी के डेट में जो सोसाइटी आपको प्रोवाइड करी एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, आप पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप। और मैं खुद देख रहा हूँ, जो MD डॉक्टर्स है, PhD डॉक्टर्स है, वो खुद डिप्रेशन खुद का सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, खुद के घर में उनमें तकलीफ है, खुद के लोग उनके सुसाइड करते हैं डॉक्टर्स, तो वो खुद पे कुछ काम नहीं कर पा रहे। और फिर वो दिन में काउंट करते हैं 50 पेशेंट इंटू सम मल्टीपल फैक्टर। ऐसे ही है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपके सब आपके पास ऑप्शन है, एक लिमिटेड डोमेन से ही आपको जाना है और आपकी जिंदगी गुजारनी है, या फिर एक अनलिमिटेड
डोमेन में आना है वो अनलिमिटेड डोमेन आता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट से और मैं बकायदा आपको मैं पीपीटी में दिखाऊंगा रिसर्च मैं लिटरली दिखाऊंगा हार्ट मैथ करके एक इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च कर रही है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना दूर होता है बिकॉज हम सिर्फ फिजिकल परसेप्शन से ही देखते हैं खुद को या औरों को उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते उसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा पाते बिकॉज माइंड ओवर एक्टिव माइंड बहुत सारे थॉट्स बहुत सारे विचार बहुत सारे डिजायर्स बहुत सारे गोल्स बहुत सारे लिमिटेशंस बॉन्डेजेस इसको हम बोलते हैं बॉन्डेज मतलब कैसे है वो गधा है उसके सामने गाजर रख दिया है वो कभी खा नहीं पाता बस वही साइकिल में आप जीते हो फिर अभी आप लोग हंस रहे हो बिकॉज वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तभी आप जाओगे ना बाहर इसके 4-5 साल के बाद तभी फिर आपको पता चलेगा कि कैसे है लोग और कैसे फिर डॉक्टर्स ही अंदर लड़ाई करते हैं फिर ये इसके पास मत भेजो अरे ये मेरे से मेडिसिन लो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस और वो डिस्टर्बेंस आपके जीवन में एंजॉय नहीं करने देता फिर क्योंकि आपका मकसद क्या था लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना अगर आप दे पा रहे हो नहीं And that is why we are here. So, एक साउंड के माध्यम से एक एक माइंड को शांत करने का एक अल्टीमेट ऐसा टूल हमें गिफ्ट मिला है ये जो मास्टर है यहाँ पे इज अ नाद योगी इज अ सिद्धा मास्टर तो ये खुद IIT से इन्होंने एजुकेशन किया है ये माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल के साथ काम करते थे मगर इन्होंने वो सब छोड़ दिया एंड नाउ ही इज अ योगी We are all in a path to bring back the ancient science, which is going to in a way help everything, help everyone. और इसको हम कुछ charge नहीं करते, it's all given to you. So ऐसे होता है. तो अगर आपको वैद्य की तरफ बढ़ना, आपको decide करना पड़ेगा आज के date में, आपको doctor बनना है या वैद्य बनना है. वैद्य means not कि आपको आयुर्वेद सीखना है. वैद्य is a kind of a state of being, a state of mind, जहाँ पे आप बस मजे में हो और आपके सिर्फ प्रेजेंस में आते हैं लोग या पेशेंट्स एंड यू विथ योर जस्ट मेयर प्रेजेंस यू हील द पीपल क्या आपको वो ताकत चाहिए आपको वो पावर चाहिए क्या तो देखो ना कितना मजा आएगा फिर आपको चाहिए हाँ या ना फिर तो इट विल रियली एड अ वंडरफुल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन हर लाइफ तो फिर आप ऐसे ही जीते रहोगे और ये साइकिल चलती रहेगी फिर पुनरभि मरणम पुनरभि जननम तो ये साइकल्स हमारे पैटर्न्स के हैं वो चलती रहेंगे आपके अपना ब्लिस को एक्सपीरियंस ना कर पाओगे ना जो सैडनेस है बिकॉज सैडनेस में भी एक ब्यूटी है मगर वो भी हम टाल देते हैं हम बहुत चालाक होते हैं हमारा माइंड बहुत चालाक होता है वो ना हमें सैडनेस को एक्सपीरियंस करने देता है ना हमें हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने देता है मगर जैसे उसको आप स्टेबल करते हो तो आप एक परिपूर्णता व्यक्ति जो कंटेंटमेंट है जो इनफाइनाइट विस्टम है उसकी तरफ आप बढ़ने लगते हो